परोपकार करो। परोपकार का मतलब क्या, परोपकार का क्या मतलब, उपकार का क्या मतलब है, परोपकार का क्या तात्पर्य, किसी की मदद करना है ना परोपकार। अब परोपकार का ऐसा तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। एक माता जी आकर के कहने लगी, कल हमने खूब परोपकार किया। हमने पूछा क्या किया, बोला कल अपनी बिटिया को फ्रिज दे के आए हैं। ऐसा परोपकार तो हम हर एक महीने में कर लेते हैं अपने घर पे, बेटे को कपड़ा दे देते हैं, बहू के लिए साड़ी ला देते हैं, अपने लिए गहने बना लेते हैं, तो ऐसा परोपकार तो हम हर महीने में 10-12 कर डालते हैं। परोपकार का पहले अर्थ समझा जाए। परोपकार एक ऐसा शब्द है, किसी ऐसे की मदद करना ना जो आपको जानता हो ना आप जिसे जानते हो, एक कोई अनजान व्यक्ति बस जिसे जरूरत है और उसकी जरूरत देखकर आपने उसकी मदद कर दी, यह है परोपकार, यह है किसी पर उपकार करना। और भैया उपकार भी करिए तो एक करबद्ध निवेदन, किसी पे उपकार करने के बाद जीवन में कभी जाहिर मत होने दीजिए कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। मनुष्य को गरीबी में रहना उतना कष्ट नहीं देगा जितना बार बार ये एहसास कराना कष्ट देगा कि मेरी वजह से तू है, ये ज्यादा कष्ट देगा। वो एक वक्त रोटी खा लेगा ठीक है, लेकिन हर दूसरे दिन आप एहसास दिलाओ और हम ही ने दिया था तब तो तुम्हारा बिजनेस शुरू हुआ, आज तो बहुत बन गए हो, पहले नहीं था, वो भी कोसेगा कि किस समय मैंने इससे मदद ले ली थी। ये ना हो, परोपकार का तात्पर्य किया भूल गए, आप भूल जाओ याद रखने वाला तो याद करने बैठे ही हुआ है, वो तो बैठे ही है ये हिसाब किताब करने कि हम कर क्या रहे हैं, पर हम भूल जाएं। अच्छा परोपकार के भी कई बार बड़े अर्थ निकल जाते हैं। एक बार गुरुजी ने अपने चेलों से कहा, सुनो बेटा परोपकार बहुत बड़ा धर्म है, तुम भी करना। अब ये तीनों चेला निकल गए परोपकार करने, दूसरे दिन लौट के आए, पहले चेला से पूछा बेटा क्या किया, बोला गुरुजी परोपकार करके आए हैं। गुरुजी ने पूछा क्या किया, बोला एक बूढ़ी अम्मा को सड़क पार कराई मैंने, बूढ़िया माता थी उनको सड़क पार कराई। गुरुजी ने से कहा, गुरुजी परोपकार है कि नहीं है, बोला हाँ बिल्कुल है। दूसरे चेला से पूछा तुमने क्या किया बेटा, बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। गुरुजी को लगा सामान ज्यादा रहा होगा, अच्छी बात। तीसरे से पूछा तुमने क्या किया, गुरुजी हमने भी वही बुढ़िया को सड़क पार करा दी। गुरुजी सोच में पड़ गए, बुढ़िया माई एक परोपकार करा तीन ने, एक माइया को पार कराने के लिए तीन जन की क्या जरूरत पड़ गई। तो चेलों ने कहा गुरुजी बात दरअसल ये है कि बुढ़िया को सड़क पार करनी ही नहीं थी। तो गुरुजी ने कहा नालायको तो पार क्यों कराई, बोला हमें तो परोपकार करना था, हमें तो परोपकार करना था। तो बुढ़िया माई से हमने कहा चलो सड़क पार करा दे, तो मानी नहीं, अब हमें करना था परोपकार, तो हमने जब जबरदस्ती की तो क्या किया, मैंने हाथ पकड़ा, इन दोनों ने पैर पकड़ा और करा दिया परोपकार। गुरुजी ने कहा तो बुढ़िया ने कुछ बोला नहीं, चेलों ने कहा नहीं गुरुजी गाली दे रही थी। अरे निकम्मो, गाली दे रही थी तब तो समझ जाते। बोला गुरुजी आप ही तो कहते हो कि अच्छे काम में गाली भी मिल जाती है तो खा लेनी चाहिए। अब ऐसा परोपकार करिए तो रामई मालिक है इस परोपकार का तो, कि क्या होना है। सुग्रीव जी का कार्य तो बड़ी आसानी से राघव जी ने किया, पर अब देखने लायक बात यह है कि सुग्रीव ने क्या किया। एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, तीन महीना नहीं, चार महीने बीत गए, पूरी वर्षा ऋतु बीत गई, सुग्रीव जी बढ़िया राजपाट में मौज से आनंद लेते बैठे, कौन राम जी और कौन राम जी का काम। चार महीने में सुग्रीव देखने तक नहीं गए कि भगवान के हालचाल क्या है, जरा वही ले आए। प्रवर्षण पर्वत पर राघव जी ने चातुर्मास बिता लिया, चार महीने तक जब सुग्रीव जी से कोई खबर नहीं आई, अब सुग्रीव जी के प्रति राघव जी को रोष आया। राघव जी ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेके आओ।
जिस बाण से मैंने बालिका वध किया है, तेहि सर हतों मूढ़ कहा काली, उसी बाण से मैं सुग्रीव का वध करूंगा। अब लक्ष्मण जी इस सब काम में देर नहीं लगाते, मुंह भर से निकले राघव जी के, वो हाजिर धनुष बाण लेके खड़े हो गए, लो मारो लीजिए सरकार। अब राम जी ने देखा ये तो सच्चों में ले आए, तो राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा जाइए प्रभु मार के आइए। राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण आज नहीं कल मारूंगा, कल मारूंगा। आप बताइए हम मारा पीटी का काम कभी कल पे छोड़ते हैं क्या? ये काम तो रात के 3 बजे भी निपटा देते हैं। हाँ कुछ अच्छा हो, मंदिर जाएंगे तो मंगल को, आज नहीं। और सोमई को निपट गए तो तब तो मंगल तो धरा रह गए। राघव जी ने कहा आज थोड़ी बोला है। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मुहूर्त तो देखो हम मार के आते हैं। राम जी ने कहा अरे नहीं भैया, तात सखा सुग्रीव, अरे सखा है मेरे लक्ष्मण, मारना नहीं है, डरा बस के ले आओ, बस डरा के ले आओ। लक्ष्मण जी पहुंचे, अरे सुग्रीव मेरे भैया ने तुम्हारा कार्य तक्षण किया, अपने दुख को भूलकर तुम्हारे दुख को आगे रखा और तुम भगवान का ही काम करना भूल गए। जिस किष्किंधा के राजपाट के सुख में लुप्त हो ना, वही इस किष्किंधा को पूरा नष्ट करके रख दूंगा। सुग्रीव जी अब डरते डरते आगे आए। एक चीज समझिएगा, सुग्रीव जी जीवात्मा है, राघव जी परमात्मा है, इन दोनों को मिलाया किसने? हनुमान जी ने। हनुमान जी कौन है? महात्मा है। महात्मा हमें भगवान से मिला तो देते हैं, पर भगवान के मिलने के बाद हम कैसे उनके साथ संबंध रखते हैं, ये अब हमारे ऊपर आ जाती है बात। हमने क्या किया? भगवान ने तो सब कुछ किया सुग्रीव जी के लिए, पर सुग्रीव ने क्या किया जो हम आप करते हैं? वही एक सब कुछ मिला भगवान से और भूले भी तो पहले भगवान को। पहली याद किसकी आती है? भगवान की नहीं आती है। सुख मिलते ही भगवान दूर, दुख मिलते ही भगवान याद, ये दो चीजें। भगवान को हर वक्त बुलाने का